23 फरवरी के दिन शुक्रवार को दोपहर 4 बजे के दरमियान 3 आतंकवादियों ने बैंक में घुसकर बैंक ग्राहकों को बंदी बनाकर लूटमार शुरू की। आतंकवादियों के हाथों में गन थी, सभी बैंक कर्मचारी डर गए। उसी दरमियान सिहोरा पुलिस में कॉल किया गया। सिहोरा पुलिस सहित अन्य अधिकारी बैंक के अंदर बड़ी ही सावधानी से अंदर आए और 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर बैंक को लूटने से बचाए। इस तरह की घटना होने पर कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, मैडम SDP रश्मिता राव तुमसर के मार्गदर्शन में यह संकटकालीन बचाव प्रशिक्षण मॉक ड्रिल किया गया। पुलिस स्टेशन सिहोरा अंतर्गत बॉर्डर पुलिस स्टेशन होने के वजह से मॉक ड्रिल लिया है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ MP पुलिस। सो भंडारा पुलिस इन मध्य प्रदेश का पुलिस के कोऑर्डिनेशन से बैंक ऑफ इंडिया में टेररिस्ट अटैक अगर होता है तो कैसे पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए और टेररिस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है एंड पूरा पुलिस फोर्स का जितने भी यूनिट्स है फ्रॉम BDDS टू फिंगरप्रिंट यूनिट टू मेडिकल यूनिट टू डॉग स्क्वाड और मेनली अपना QRT मतलब क्विक रेस्पॉन्स टीम एंड RCP लाइफ कंट्रोल टीम, ये सब का कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल पुलिस का होता है, पुलिस स्टेशन सिहोरा का इंचार्ज एंड उनका स्टाफ एंड ऐसे ही मध्य प्रदेश पुलिस का जो बॉर्डर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एंड स्टाफ, इनका क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये हमने लाइव आज मॉक ड्रिल लेके डेमोन्स्ट्रेट करके विद सक्सेसफुल रिजल्ट्स फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसका तैयारी निमित्त हमने आज मॉक ड्रिल लिया है और उसका सुपरवाइजरी रोल में मैं एज ASP तुमसर डिवीजन आज इधर मौजूद हूँ। थैंक यू। NBC न्यूज़ के लिए सिहोरा से रणधीर नेमा की रिपोर्ट।